15 दिसंबर का इतिहास। 15 दिसंबर 1960 में नेपाल के राजा महेंद्र ने देश के संविधान को निलंबित कर दिया, संसद को भंग कर दिया, कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया और प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया। 15 दिसंबर 1997 में जेनेट रेसेनबर्ग जगन गुयाना की राष्ट्रपति चुनी गयी, जो दक्षिण अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति और गुयाना की पहली श्वेत राष्ट्रपति बनी। 15 दिसंबर 1997 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने सभी सेवारत अमेरिकियों को जैविक युद्ध के संभावित हथियार एंथ्रेक्स के खिलाफ टीका लगाने का आदेश दिया। 15 दिसंबर 2011 में बराक ओबामा के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार के तहत इराक युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।